पूरे देश को पसंद आ रहा है गठबंधन की सरकार, ये कहना है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। सोमवार को मैसूर में कहा कि देश के गठबंधन सरकार की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि राजनीति नेतृत्व के दावों के बावजूद ना तो कांग्रेस और ना भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। उसका एक विशेष कारण है कि 70 साल के अंदर ना कांग्रेस ने विकास किया है और ना ही भाजपा ने विकास किया है, और सभी लोग चाहते हैं परिवर्तन का दौर, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहन कुमारी मायावती के 4 टाइम के शासनकाल के अंदर यूपी के अंदर जो काम रहे वो बहुत सराहनीय रहे, इससे देश इसको भी जनता सोच के दे रही है वोट। दूसरा इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या है वो है बहुजन समाज की, जिसे बोलते हैं SC ST OBC। बीजेपी सरकार को बदलने के लिए उनको बसपा का ही दामन थामना पड़ेगा। उसका एक विशेष कारण है कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो भी कार्य कहे थे वो कार्य उन्होंने नहीं करे हैं पूरे, चाहे वो लोगों को रोजगार का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे आवास विकास जितने भी चीजें हों उस पे खरी नहीं उतर पाई है बीजेपी गवर्नमेंट। और बीजेपी सरकार ने नोटबंदी GST जैसे फरमानों को लागू करके जनता को कर दिया है बहुत ज्यादा परेशान। और उसका एक विशेष कारण और है, देश के अंदर प्राइवेटीकरण बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी लोग पसंद कर रहे हैं देश के अंदर गठबंधन को। दोनों ही राष्ट्रीय दलों में कोई भी 543 में से 150 सीटें भी आंकड़े पार नहीं पहुंच पाएगा स्थिति में नहीं तो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेता के दावे इससे अलग हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस में अपने सहयोगी JDU के साथ मिलकर राज्य की 28 संसदीय सीटों में 20 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद है। राज्य में 18 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और जिसके अंदर पूरे देश के अंदर जो लहर चल रही है वो चल रही है गठबंधन की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।